हेलो फ्रेंड्स, मैं अवितेज और आप देख रहे हैं अवितेज फोन वर्क एंड टैक्स सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई सैमसंग का सेट हो और उसका कॉम्बो अगर आपको लगाना हो तो इससे आसान तरीका कोई आपको बता नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका कि आप सैमसंग के सेटों का जो कॉम्बो है या किसी भी कंपनी का हो सेट, उसका कॉम्बो को फिट करना हो तो कितने आसानी से आप फिट करेंगे। तो मेरे इस वीडियो को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। इससे आसान तरीका आपको कोई बताएगा नहीं। अगर आप ये नहीं सीख पाएंगे ना तो फिर कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो मेरे इस वीडियो को देखते रहिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपको फिटिंग करके सारे कॉम्बो को बता सकूं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं, ये है सैमसंग का कॉम्बो जो कि इस फ्रेम में लगेगा इस पेस्ट के थ्रू। तो हमें क्या करना है, इस पेस्ट को चारों तरफ बराबर बराबर लगा लेना है। अगर आपका सैमसंग का कोई J2, J5, J7 का सेट हो या कोई भी किसी भी कंपनी का मॉडल हो तो उसको लगाने के लिए इसी पेस्ट का हम यूज़ करते हैं। चारों तरफ से बराबर पेस्ट लगा लेंगे। बहुत से लोग हल्का हल्का पेस्ट लगाते हैं, सोचते हैं चिपक जाता है, लेकिन अगर आप अच्छे से पेस्ट लगाएंगे तो फोल्डर अगर सही से फिट होगा तो वो जल्दी डैमेज नहीं होगा। अगर आपका फोल्डर थोड़ा सा भी पेस्ट में कमी है, फोल्डर हिलता है, तो सेट गिरने पर कॉम्बो जो है डिस्टर्ब हो जाता है। और हम इस टेप का यूज़ करेंगे इस फोल्डर के अंदर लगाने का। देखिए, हमने पेस्ट लगा दिया है, अब हम इसको फिट करेंगे। जब इसको फिट कर लेंगे, देखिए इस तरह से हल्के हाथों से हम इसको फिट कर देंगे, एकदम हल्के हाथ से। ज़्यादा प्रेस नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा प्रेस करने पर ग्लास डैमेज हो सकता है अंदर का डिस्प्ले। अब हम टेप निकालेंगे, टेप से चारों तरफ इसके हम इसको पेस्ट कर देंगे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके। यह टेप है, इस टेप को हम इसके साइड में, जैसे कोने कोने में जो साइड को है वहाँ पर हम इसको हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा खींच करके पेस्ट लगाएंगे, जिससे कि ये मेरा जो फोल्डर है वो एकदम से चिपक जाए। क्योंकि अगर आप इसमें पेस्ट लगा के अगर इसको नहीं चिपकाते हैं, रबड़ भी बहुत कुछ लगाते हैं, बहुत लोग रबड़ लगाते हैं लेकिन रबड़ से वो फिटिंग नहीं आती है, पर टेपिंग अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। बस आपको ख्याल रखना है कि ज़्यादा प्रेस करके नहीं लगाना है, हल्के हाथों से प्रेस करके लगाना है। और जितना पेस्ट लगाए रहेंगे चारों तरफ, एक बार टेपिंग कर देंगे तो फिर वो एकदम बेहतरीन कॉम्बो फिट हो जाएगा। इस तरह का कोई जल्दी बताता नहीं है। मैं अपने चैनल अवितेज फॉर्मवर्क एंड टैक्स सॉल्यूशन पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं इसी तरह से कॉम्बो फिट करता हूँ और कस्टमर मुझसे बहुत खुश रहता है, कस्टमर मुझे इसी काम का पैसा भी अच्छा देता है। अगर आप काम अच्छा करेंगे तो आपके दुकान की गुडविल बनेगी और आप फिटिंग करके पैसा अच्छा कमा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको चारों तरफ से टेपिंग कर दिया है। इसको आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, एक एक कोने को टेपिंग कर सकते हैं। टेपिंग करके उसके बाद आप इसको सूखने के लिए 1 से 1.5 घंटा छोड़ दीजिए। देखिए इस तरह से ये टेपिंग हो जाएगा। और भी टेपिंग अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल अवितेज फॉर्मवर्क एंड टैक्स सॉल्यूशन को देखने के लिए, इस तरह की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।